नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दो दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री, धामी मां नायना देवी के किए दर्शन, तो हल्द्वानी में आईएसबीटी और रिंग रोड बनाने को लेकर दिया बयान, कहा ये दोनों कार्य सरकार की प्राथमिकता। हल्द्वानी जेल रोड चौराहे पर प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जताया रोष, सरकार पर लगाया रोजगार के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप। नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, रोडवेज कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर यूके और यूपी के मुख्य सचिवों को 15 सितंबर तक बैठक बुलाने के दिए निर्देश, कोर्ट में अधिकारियों ने पेश की अब तक की प्रगति रिपोर्ट। उत्तराखंड के पतरामपुर में गुलदार का आतंक, अब दर्जनों युवकों को किया घायल, वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे और पिंजरे, लोगों से की घरों में रहने की अपील। यूके में सड़क हादसे रोकने के लिए यातायात विभाग मुस्तैद, जगह जगह लगाए सीसीटीवी कैमरे और इंटरसेप्टर से शुरू की निगरानी, वाहनों पर रखी जाएगी विशेष नजर। और अब खबरें विस्तार से। नैनीताल में मौसम खराब होने के चलते हल्द्वानी से देहरादून के लिए देर से रवाना हुए, हेलीकॉप्टर से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया में आईएसबीटी और रिंग रोड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हल्द्वानी में आईएसबीटी बनाना और रिंग रोड का जल्द निर्माण भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, जिसको लेकर नैनीताल दौरे के दौरान अधिकारियों से भी समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी कि हल्द्वानी में आईएसबीटी जल्द बनाए जाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय प्रवास पर नैनीताल के मां नैना देवी के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने शिवलिंग का जलाभिषेक किया और राज्य की खुशहाली के साथ तरक्की की कामना की। मंदिर समिति ने सीएम धामी को मां नैना देवी का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इसके बाद सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा नहीं होने से लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और लोगों की आजीविका प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार अदालत में दमदार पैरवी कर रही है। चारधाम यात्रा नहीं होने के कारण से बहुत सारा हमारा जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और बहुत सारे लोगों की आजीविका उससे जुड़ी हुई है। हजारों लाखों लोग जो है यात्रा के कारण से अपना घर परिवार चलाते हैं, उसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा गंभीरता से सारी चीज़ों को ले रहे हैं और हम लोगों का प्रयास पहले से रहा है। और चूँकि माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण से हम लोग माननीय न्यायालय में ही उसकी पैरवी कर रहे हैं। 10 सितंबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा है, जिसको लेकर नगर विधायक प्रदीप बत्रा सहित प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। वहीं प्रशासन के अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि रुड़की में सीएम धामी सिविल अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। वहीं इसके बाद सीएम धामी नेहरू स्टेडियम में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे हरिद्वार के पतंजलि पीठ में भी शिरकत करेंगे। जनपद हरिद्वार का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से पतंजलि योग पीठ में सर्वप्रथम वहाँ जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसके उपरांत उनका रुड़की आगमन होगा। रुड़की में हमारा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो ICU बेड्स का ऑक्सीजन प्लांट है उसका वो लोकार्पण करेंगे, सब हमारा रेडी है।
और उसके बाद स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है। जैसा कि आप जानते हैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है और यहाँ पर तीन चार कार्यक्रम और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ पर इनके कार्यक्रम हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि इन कार्यक्रमों में जो आम जनमानस शामिल होने के लिए जा रहे हैं उनको ध्यान आवश्यक रखना है। उत्तराखंड के हल्द्वानी की जेल रोड चौराहे में आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर युवाओं को रोजगार देने के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। तो वहीं आप प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने कहा कि भाजपा सरकार में घोटाले हो रहे हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल ने उजागर किया है। कर्नल अजय कोठियाल को प्रदेश सरकार के बाल श्रम मंत्रालय में आवेदन किया था और नौकरी की एवज में उन्होंने 25,000 घूस के तौर पर दिए थे, जहां उन्हें चंपावत में तैनाती दी गई। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने पर जहां श्रम मंत्रालय सवालों के घेरे में आ गया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए महिला सशक्तिकरण और बाल श्रम मंत्री रेखा आर्या से इस्तीफे की मांग की। उत्तराखंड के देहरादून में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंत्री रेखा आर्य का पुतला फूंका। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार में लगातार बेरोजगार के साथ छलावा हो रहा है, क्योंकि रोजगार उन लोगों को नहीं मिल रहा है जो काबिल है, सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो पैसा दे सकते हैं। आपको बता दें कि दो दिन पहले आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने एक एजेंसी के माध्यम से चौकीदार की नौकरी हासिल की थी और सचिवालय के गेट पर इसको लेकर प्रदर्शन किया था। उत्तराखंड में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में रोजगार घोटाला चल रहा है, आपको अभी पता चला होगा कि कर्नल कोठियाल जी स्वयं चंपावत की एक ए स्क्वायर नामक कंपनी में, जिनको चौकीदार की नियुक्ति दी गई 25,000 रुपये की रिश्वत लेकर, और ये विभाग रेखा आर्या जी के अंतर्गत आता है। अभी एक और तथ्य हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था कि सीएम हाउस में एक नियुक्ति पीयूष अग्रवाल नामक लड़के की हुई है, उसके दो दिन बाद वो नियुक्ति किसी कारणवश रद्द कर दी गई। हम ये पूछना चाहते हैं वो पीयूष अग्रवाल कौन है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नैनीताल दौरे को चुनावी स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी नई घोषणाएं करने की बजाय पुरानी घोषणाओं का हिसाब जनता के समक्ष रखे। दीपक बलूटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नैनीताल में जो 4531 लाख रुपए की लागत से बनाने वाली 38 योजनाओं का शिलान्यास किया है, उसके लिए बजट का इंतजाम कैसे करेंगे, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। साथ ही उन्होंने जो 6,070 लाख की लागत से बनी 28 योजनाओं का लोकार्पण किया, उसका सोशल ऑडिट अब जनता करेगी। सिर्फ घोषणाएं, हवाई घोषणाएं कर रही है चुनावी वर्ष देख के, और तीन तीन मुख्यमंत्री सरकार ने दिए हैं, जितनी इन्होंने घोषणाएं करी हैं उस घोषणाओं में जो राशि लगने वाली है उस राशि हमारे सरकार के पास है भी नहीं। श्वेत पत्र जारी करें हमारे पास खाते में कितना पैसा है और घोषणाएं हम कितने की कर रहे हैं। इस सरकार ने जो पहले 2017 में बेहतर होता कि मुख्यमंत्री उन घोषणाओं पर नज़र मारते और देखते कि कितनी घोषणाएँ हुई हैं नहीं हुई हैं, तो जनता सवाल कर रही है कि पुरानी घोषणाएँ कहाँ हैं। जो आपने पुरानी 2017 में दृष्टि पत्र पढ़ लें जो घोषणाएँ करी थी उनका क्या हुआ, तो पहले आप पुरानी घोषणाओं को पूरा करिए, नई घोषणाएं बाद में, और नई घोषणाएं आप घोषणाएं कर रहे हैं, आपके पास क्या इतना पैसा है? तनख्वाह देने के लिए पैसा है नहीं, उपनल कर्मी हड़ताल में बैठे हैं, रोडवेज कर्मचारी बड़े बमुश्किल अपनी उनकी तनख्वाह मिल पाई।
नानकमता गुरुद्वारे में प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने हैं, इसको लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बैठक आयोजित की। वहीं पूर्व जनरल सेक्रेटरी प्रीतम सिंह संधू ने आयोजित बैठक का विरोध किया। बैठक में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी मेंबर और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधान सेवक सिंह ने बताया कि बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें होने वाले चुनाव में नानकमता से एक स्थानीय कमेटी मेंबर जरूर चुना जाए, इसको लेकर वार्ता हुई है। दूसरी ओर गुरुद्वारे के पूर्व जनरल सेक्रेटरी प्रीतम सिंह संधू, जो कि मौजूदा कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने मीटिंग का विरोध किया और मीटिंग का बहिष्कार करते हुए बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। इस दौरान बैठक को असंवैधानिक बताया और साथ ही आरोप लगाया कि अन्य कमेटी मेंबरों से बिना पूछे ही बैठक का आयोजन किया गया। इसलिए हमने 1 तारीख को एजेंडा जारी करके अपनी पूरी कमेटी को इन्फॉर्म किया था, एजेंडा भेजा था कि नई कमेटी की चोन पर विचार करने के लिए। तो उसमें से हमारे कि 16-17 मेंबर जहां हम दूर पहुंचे, उन सभी 16-17 मेंबरों ने सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पास किया कि हमारी चोन समय से होनी चाहिए, हम सब अभी सहमत हैं। और जो पिछली हमारी मीटिंग थी उसको भी उन्होंने अनुमोदन किया। उस मीटिंग में हमने कुछ विधान में अमेंडमेंट करी थी। आज हम जो है अभी हमारे बीच में जो सीओ साहब आए थे, क्योंकि कार्यवाहक जो धन्ना सिंह हैं उन लोगों का कहना था कि मुझे वहां के रजिस्ट्रार महोदय के आदेश अनुसार यहां बिठाया गया है, जो कि उनका कहना गलत है। लेकिन सीओ साहब ने बीच में हम लोगों को ये कहा कि हमें 2 दिन का समय आप दे दीजिए ताकि हम प्रशासन से वार्ता करके और सही स्थिति का आकलन कर सकें। उत्तराखंड सरकार ने अल्मोड़ा और बागेश्वर के लोगों के लिए विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच बनाया गया है, जो प्रदेश के हर जिले में खोला गया है, जिससे अब उपभोक्ताओं को अपनी समस्या का समाधान जल्द मिलेगा। इसके लिए सरकार ने न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भी की है। अल्मोड़ा के न्यायिक सदस्य चामू सिंह घस्याल ने बताया कि अभी तक उन्होंने 5 शिकायत निवारण कैंप लगाए हैं, जिनमें 45 उपभोक्ताओं के मामलों का निवारण कर दिया गया है और 43 मामले अभी उनके पास विचाराधीन है, जिनका निवारण भी जल्द कर दिया जाएगा। अभी वर्तमान में मैं बतौर न्यायिक सदस्य यहां पर मुझे नियुक्त किया है और मेरे पास अल्मोड़ा और बागेश्वर 2 जनपद हैं। अब इस नियामक आयोग में आम उपभोक्ताओं को जो परेशानियां होती हैं, जैसे आपने आवेदन कर दिया कि हमारा मीटर नया लगना चाहिए, उसके लिए टाइम फिक्स होता है, वायर आपके कहीं ख़राब हैं उसके लिए हैं, बिजली आपको प्रॉपर नहीं आ रही है और आपको ये जो बिल हैं प्रॉपर आपके पास बिल नहीं दे रहे हैं या बिलों में कुछ इस प्रकार के गड़बड़ियां हैं, तो इसके लिए ये आयोग गठित किया गया है और इस आयोग के इस फोरम के खुलने से आम उपभोक्ताओं को। सुल्तानपुर पट्टी में कोसी नदी के मानकी घाट पर नदी पार कर रहे ट्रैक्टर के पलटने से नदी में बही महिला के शव को बाहर निकाला गया है। इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। अब महिला की बेटी के शव को खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को कोसी नदी पार कराकर ट्रैक्टर पर सवार माँ बेटी ट्रैक्टर के पलटने से नदी के तेज बहाव में बह गए। महिला और उसकी बेटी की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही थी। इस दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने महिला के शव को कोसी नदी से बरामद किया है। सूचना मिली थी सर, तो हम यहाँ पर तुरंत पहुंचे सर और हमने रात को यहाँ तकरीबन 11:30 बजे तक हमने यहाँ पर रेस्क्यू किया। तो कुछ अंधेरे का दिक्कत थी और कुछ थोड़ा पानी का अभाव था, तो हमने फिर आज सुबह जल्दी ऑपरेशन के लिए आए सर। हमने 5 बजे सुबह से किया है और स्टार्ट और हमने पूरे छानबीन किया, हमारे जवानों ने रेस्क्यू ने हमारे श्री कमांडेंट साहब के नेतृत्व में हमने ये काम किया है उनके आदेश उनके गाइडलाइन पर। तो हमने एक टीम को एक जो डेड बॉडी है जो महिला की उसको रिकवर कर लिया है और जो दूसरी है बच्ची की उसको सर हम जल्दी कर रहे हैं।
रुड़की के एक निजी होटल में शिक्षक दिवस के उपलक्ष में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इनर व्हील क्लब के सभी जिला कार्यकारिणी, जिला ट्रस्टी मौजूद रही। कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों ने सभी अध्यापिकाओं का प्रमाण पत्र और गिफ्ट देकर सम्मान किया। इसके बाद सभी अध्यापिकाओं ने अपने अपने विचार भी बांटे। वहीं क्लब की पूर्व प्रेसिडेंट शशिगिर ने जानकारी दी कि क्लब की ओर से टीचर ऑनर और लिटरेचर सेलिब्रेशन मनाया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी महिला एनजीओ के लिए कार्य करती है। वहीं अध्यक्ष सुमन अरोड़ा ने जानकारी दी कि हम उन बच्चियों के लिए काम करेंगे जो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। उनको आर्थिक मदद और स्कूल में दाखिला और अन्य प्रकार की मदद दी जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों के वेतन भुगतान और परिसंपत्तियों को बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों की 15 सितंबर को बैठक बुलाने को कहा है। साथ ही बैठक का नतीजा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान वीसी के माध्यम से वित्त सचिव अमित नेगी, परिवहन सचिव रंजित सिन्हा और एमडी परिवहन नीरज खैरवाल पेश हुए। इस दौरान सरकार ने शपथ पत्र पेश कर बताया कि रोडवेज कर्मचारियों को जून तक का वेतन दे दिया है और जुलाई के वेतन के लिए 16.5 करोड़ बजट जारी कर दिया गया है। भविष्य में वेतन के लिए एक प्रपोजल बनाकर कैबिनेट के समक्ष रखने के लिए बोर्ड ने प्रस्ताव पारित किया है। खबर देहरादून से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी ने घंटाघर का औचक निरीक्षण किया और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि क्षेत्र में कई जगहों पर स्मार्ट सिटी का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे अक्सर यातायात संचालन में बाधा हो रही है। इसके लिए स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह व्यवस्था बनाई जाए ताकि यातायात का संचालन सुनिश्चित हो सके, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। स्मार्ट सिटी है, उसके पदाधिकारियों के साथ बात की जाए। स्मार्ट सिटी का काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट का काम है और डेवलपमेंट जितना तेजी से हो उतना सभी के लिए अच्छा है। लेकिन ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा काम कब हो, कौन सा काम दिन में हो और कौन सा काम रात में हो, तो उसका डिसीजन अगर सब मिलकर लेंगे तो एक सही डिसीजन आएगा। अभी क्या चल रहा है कि दो हाथ हैं, दोनों इंडिपेंडेंट से काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे। तो स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट साथ साथ चले तो उससे मेरे ख्याल से ट्रैफिक भी कंट्रोल होगा और डेवलपमेंट का काम भी तेजी से चले। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस विभाग मुस्तैद है। इसके लिए यातायात निदेशालय ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और इंटरसेप्टर के जरिए यातायात की निगरानी शुरू की है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आ सके। यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन ने बताया कि 3 जनपदों में अभी इंटरसेप्टर की व्यवस्था नहीं की गई है, वहां पर भी जल्दी इंटरसेप्टर तैनात की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर राज्य सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि शासन की मंजूरी के बाद यातायात पुलिस की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने सभी जनपदों में इंटरसेप्टर की व्यवस्था कर रखी है। सिर्फ 3 जनपद ऐसे हैं जहां पे भी अभी इंटरसेप्टर की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जो है शहर को हम लोग जो है वो बिल्कुल सीसीटीवी से आच्छादित भी कर रहे हैं, एनपीआर कैमरे भी लगवा रहे हैं, और जो ट्रैफिक में फोर्स को बढ़ाने का जो एक प्रपोजल है वो भी शासन ने अप्रूव कर दिया है, उसके लिए भी भर्ती के कवायद वगैरह शुरू हो गए हैं। सितारगंज के सिडकुल रोड पर डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 सेवा वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया। यहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के दौरान एक युवक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे की हालत को गंभीर देखते हुए हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया। सितारगंज से सटे गाँव पंडरी के रहने वाले दोनों युवक सिडकुल से घर लौट रहे थे, इस दौरान रास्ते में ये सड़क हादसा पेश आया।
उत्तराखंड के जसपुर के पतरामपुर गांव में गुलदार का आतंक जारी है। अब उसने आधा दर्जन युवकों पर हमला कर घायल कर दिया, जिस पर वन विभाग अधिकारियों ने प्रचार कर जनता को जागरूक कर गुलदार के आतंक से आगाह कराया। साथ ही जनता को अपने घरों में रहने की सख्त हिदायत भी दी। इसके साथ ही वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने की कवायद भी तेज कर दी। वन क्षेत्राधिकारी राजेंद्र सिंह रजवार ने बताया कि गुलदार को पकड़ने के लिए ट्रैप कैमरे और 3 स्थानों पर पिंजरे भी लगाए गए हैं। साथ ही विभागीय के कर्मचारियों की रात में गश्त भी बढ़ाई है। उत्तराखंड के खटीमा शहर से सटे खेतल संडा मुस्ताजर गांव में कुमाऊं के प्रसिद्ध 10 दिवसीय त्योहार का समापन हो गया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में झूला चांचरी खेल आयोजित किया गया और ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक नृत्य गान करते हुए मां गौरी और महेश्वर की विदाई दी गई। आपको बता दें कि यह पर्व महिलाएं परिवार की सुख शांति और संतान प्राप्ति के लिए मनाती हैं। पर्व समापन के दिन को हिल यात्रा कहा जाता है। जैसे मादा गुलदार जो है अपने बच्चों के साथ घूम रही है, वो सड़क पार करते समय जो पब्लिक है उन पर झपटने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए पिंजरे लगाने की तैयारी चल रही है अनुमति लेकर। और तथा वो क्या कहते हैं, रात्रि गश्त 24 घंटे दिन और रात की दोनों की गश्त चलाई जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। दो जगह पर उसका मेन पॉइंट है, संतान घाट और उधर निजामगढ़ की तरफ, तो वहाँ पर अभी पिंजरे लगाए जा रहे हैं अनुमति लेकर मुख्यमंत्री सिंह से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।